हाय गाइस, निशांत चाहर, वेलकम टू द चैनल कोड इन 10। सो यार, आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं एरेज के बारे में। ठीक है, सबसे पहले थोड़ी बहुत और चीज़ें हमने लास्ट वाली क्लास में नहीं पढ़ी थी वो पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे, ये वाला क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड, मिनिमम एंड मैक्सिमम एलिमेंट इन एन एरे। ठीक है, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है बट तुम्हारे बेसिक्स थोड़े क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, हमने लास्ट वाली वीडियो में ये समझ लिया था कि डिक्लेरेशन, प्रिंट और एक्सेस कैसे करते हैं एलिमेंट्स को। हम एक चीज़ और पढ़ते कि एक फंक्शन में कैसे पास कर रहे होंगे अपने हम एरे को। ठीक है, तो सिंपल स्टेट होती है, सिंपल अगर तुम्हें समझाऊँ तो हम जब भी फंक्शन में पास करते हैं तो हमें दो चीज़ें देनी पड़ती हैं, एक हमें एरे देना पड़ता है और एक उसका साइज़ देना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एरे एग्जैक्टली है क्या यार? एरे एग्जैक्टली मेमोरी में एक पार्ट है। हमने मेमोरी को बोला कि यार हमें चार साइज़ का एरे चाहिए, तो क्या करेगा वो, हर एक इंट जो भी हमने बोला, जैसे हमने इंटीजर एरे चाहिए चार साइज़ का, तो वो मेमोरी में तुम्हारे लिए चार ब्लॉक्स कॉन्टिगस स्टोर कर देगा, जहाँ पर तुम अपने एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हो। तुम्हारे लिए फिक्स कर देगा कि यार ये यहाँ पे एरे के जीरोथ एलिमेंट को पॉइंट कर, और उसके बाद के जो चार जो तुम्हारी स्पेसेस हैं, जो तीन और स्पेसेस हैं, वो सब इसी एरे की हैं। इसका ये मतलब होता है, ठीक है, तो हमें साइज़ बताना ज़रूरी है, नहीं तो अगर हमें साइज़ नहीं पता होगा तो हम इसमें ट्रैवर्स कैसे करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे, और अगर साइज़ नहीं पता होगा तो हम आगे बढ़ते रहेंगे, और यहाँ पर आगे गार्बेज वैल्यू पड़ी होंगी। हमें चाहिए नहीं गार्बेज वैल्यू, हमें तो बस वहीं तक की वैल्यू चाहिए जहाँ तक की एरे है, तो इसलिए हमें यहाँ पे साइज़ पास करना पड़ता है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक फंक्शन लिखेंगे जिसमें हम एरे में जितनी भी वैल्यूज है सबको प्रिंट कर रहे हैं। हमने यहाँ पे प्रिंट किया, सेम चीज़ मैं एक फंक्शन के थ्रू कर रहा हूँ। हम क्या बोलेंगे, इंट बोलेंगे void एक फंक्शन का टाइप होता है। हमने फंक्शन पढ़ा था, उसमें बताया तुम्हें कि अलग अलग तरीके के टाइप्स होते हैं, तो void एक टाइप होता है। ठीक है, मेनली तुम्हारे जितने भी रिटर्न टाइप होता है तो void होता है। void मतलब कुछ भी हम रिटर्न नहीं कर रहे, खाली int होता है, char होता है, कुछ भी रिटर्न कर सकते हो तुम। बाद में जाके तुम देखोगे कॉम्प्लेक्स चीज़ें रिटर्न कर रहे होते हैं, वेक्टर्स रिटर्न कर रहे होते हैं। ठीक है, वेक्टर्स रिटर्न कर रहे होंगे हम क्यूज़ रिटर्न कर रहे होंगे, स्टैक्स रिटर्न कर रहे होंगे, तो कोई भी चीज़ रिटर्न कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे लिखा होता है वो रिटर्न होता है, हम यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे। हमें करना प्रिंट एरे, इसमें हमें चाहिए एक इंट एरे। ठीक है, उसके साथ चाहिए हमें इंट साइज। ठीक है, ये करने के बाद हम क्या करेंगे, बस ट्रैवर्स करेंगे जो यहाँ किया था, सेम कॉपी पेस्ट कर देते हैं और यहाँ बस कर देंगे साइज, और इसको कर देंगे हम ARR, बस इतने था। और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, प्रिंट करने के लिए हमें पहले यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा, हम बोलेंगे प्रिंट एरे, और दे देंगे हम अपना A,4 size, इसको बोलेंगे प्रिंट करके ला दो। अब ये जाएगा और ये प्रिंट करके ला देगा, इसने बोला 1 2 3 4 4, क्योंकि यहाँ पे हमने A of 3 का प्रिंट कर रखा, और 1 2 3 4 ये इसने कॉल किया, यहाँ गया, इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, हम एक चीज़ और करके देखते हैं, अगर हम यहाँ पे अंदर इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं तो तुम्हें क्या लगता है, प्रिंट में वैल्यू चेंज हो जाएगी? ARR of 2 हमने कर दिया 100। ठीक है, एक बार चेंज कर दिया, और इसको हमने फिर से कॉल मार दिया यहाँ पे। हमने एक बार यहाँ पे पहले प्रिंट करके देखा है, राइट, प्रिंट करके देखा, उसके बाद हमने अंदर वैल्यू चेंज कर दी, फिर प्रिंट करके देखा, और इसको यहाँ पे फिर से एक बार प्रिंट कर देते हैं। इसके बाद इसको दे देते हैं पे एंडल। तुम्हें क्या लगता है, वैल्यू चेंज होगी? अगर होगी तो बोलो यस कमेंट्स में, और नहीं होगी तो बोलो नो। तो देख लेते क्या होता है। वन की वैल्यू हमने कर दी 3, ये तुम जब देखोगे तो फिर से चेंज हुई मिलेगी हमें। ठीक है, फर्स्ट टाइम में 2, नेक्स्ट टाइम में 1 2 3, जैसे ही बाहर आया इसकी वैल्यू फिर से चेंज हो गई। ठीक है, जैसे हमें समझ आता है कि यहाँ पे हम जो अपना एरे पास कर रहे होते हैं, ठीक है, बस ये वैल्यू पास नहीं कर रहे होते, ये हम एक रेफरेंस पास कर रहे होते हैं। इसका मतलब है पास बाय वैल्यू, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है पास बाय वैल्यू, एक होता है पास बाय रेफरेंस। पास बाय वैल्यू में क्या होता है कि अगर तुमने कोई एक चीज़ पास करी, जैसे हमने बोला कि A = 10 है, तो ये क्या होता है, ये एक A की कॉपी बना देता है और एक कॉपी इसमें पास कर देता है फंक्शन में। फंक्शन में कॉपी पास करने से क्या होता है कि अगर हम A में फिर चेंज करते हैं, एक अगर हम 11 करते हैं, तो बस उस कॉपी में एक की वैल्यू 11 हो जाती है, ना कि जो ओरिजिनल वेरिएबल था वहाँ पर। ओरिजिनल वेरिएबल हमेशा सेम रहेगा, चाहे कॉपी में हम कितने भी चेंजेस कर लें। तो पास बाय वैल्यू में ये होता है। पास बाय रेफरेंस में क्या होता है, हम रेफरेंस पास कर रहे होते हैं, मतलब इसकी मेमोरी लोकेशन पास कर रहे हैं कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। अगर हमें ये बता दे कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो हम कुछ भी चेंज करेंगे तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू चेंज हो रही होगी। ठीक है, जहाँ पे वो स्टोर्ड है वो चेंज हो रहा होगा, ओरिजिनल कॉपी चेंज हो रही होगी, ओरिजिनल कॉपी नहीं, जो ओरिजिनल वेरिएबल है वो चेंज हो रहा होगा, ना कि कोई कॉपी बन रही होगी। तो ये डिफरेंस होता है तुम्हारा पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस में। ठीक है, इसलिए जो तुम्हारे एरेज हैं, अरे एरेज में हम क्या करते हैं, हमेशा हमें जो रिटर्न जो पास हो रहा होता है वो तुम्हारा फर्स्ट एरेज में जो तुम्हारा पास हो रहा होता है ना,
वो क्या होता है हमेशा, जो ये फर्स्ट यहाँ पे एलिमेंट है ना, इसका हमेशा हम यहाँ पे जो क्या कहते हैं पॉइंटर एक तरीके से पास कर रहे होते हैं। पॉइंटर क्या होता है बता दो, बट ये समझ लो कि यहाँ इसका रेफरेंस पास कर रहे होते हैं कि ये कहाँ पे पड़ा हुआ है। और हमने समझा था कि यहाँ पे 0, 1, 2, 3 इंडेक्स क्यों स्टार्ट होते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंसेज होते हैं। तो इससे तुम्हें थोड़ा समझ आ जाएगा कि ये पास होता है और साइज हम पास करते हैं तो हमें पता होता है कि नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन कहाँ है, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन कहाँ है, नेक्स्ट कहाँ है, ऐसे हम आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी तुम्हें बताने के लिए। तो हमने ये सारी चीज़ें कर ली, अब नेक्स्ट हम जल्दी से अपना जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं, उसको ड्राइविंग करके देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास यहाँ पे हमें मिनिमम मैक्सिमम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले दो वेरिएबल्स बना लेंगे, मिन एलिमेंट। मिन एलिमेंट में क्या हो रहा होगा, मिनिमम एलिमेंट में क्या चीज़ होनी चाहिए, मैक्सिमम चीज़ होनी चाहिए, ताकि जैसे ही कोई उससे छोटी चीज़ आए हम उसको रिप्लेस कर पाएँ। तो मैक्सिमम यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे दे रखा है कंस्ट्रेंट ए, जो आई की वैल्यू है 10^12 हो सकती है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पे हमने बोला ये। तो 10^12 + 1 हमने इसको बना दिया। ठीक है, मिनिमम हमारा होना चाहिए ये, मैक्सिमम हमारा चाहिए मिनिमम एलिमेंट। मिनिमम एलिमेंट क्या होगा, यहाँ पे तुम देखो लेस देन इक्वल टू 1 है, तो 1 से छोटा क्या होता है, 0। तो हमने बोला मिनिमम एलिमेंट 0 है। अब हम निकालेंगे यहाँ पे मैक्स, बस चेक करना है अगर ए ऑफ आई की वैल्यू जो है, अगर हम मैक्सिमम निकाल रहे हैं ना, अगर वो बड़ी है तुम्हारे मैक्स एलिमेंट से, तो हम क्या बोलेंगे यार मैक्स एलिमेंट को चेंज करो, ये तो छोटा है, राइट, छोटा है तो जो भी करंट बड़ी वैल्यू है उससे इसको चेंज कर देंगे। सिमिलरली मिनिमम में क्या हो रहा होगा, मिनिमम में सेम चीज़ हो रही होगी, मिनिमम में हम बस उल्टा कर रहे होंगे। हम चेक कर रहे होंगे कि ए ऑफ आई की वैल्यू अगर छोटी है तुम्हारे किसी भी मिनिमम एलिमेंट से, तो मिनिमम एलिमेंट चेंज होना चाहिए, दैट मीन्स मिनिमम एलिमेंट बड़ा है, ए ऑफ आई पास कर देंगे आप, इसको चेंज कर देंगे वैल्यू को। उसके बाद हमें बस क्या करना होगा, एक पेयर बनाना होगा, पेयर ही इसके बाद हमें एक पेयर बनाना होगा। ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग का हम एक पेयर बना देंगे, और लॉन्ग लॉन्ग के पेयर में हम क्या बोलेंगे, ये होगा हमारा आंसर। अब पेयर में क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड होता है, आंसर डॉट फर्स्ट को हमने बोल दिया मिन एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, पहले हम मिन रिटर्न कर रहे हैं, मिन एलिमेंट, और आंसर डॉट सेकंड हमारा होगा मैक्स एलिमेंट, और बस रिटर्न कर देंगे यहाँ पे आंसर को, और ये हम कंपाइल करके देखेंगे। ठीक है, सही आंसर आ रहा है, ये आना चाहिए, सबमिट कर देते हैं। सारे टेस्ट केसेस चल गए हमारे, अब इसको क्या करते हैं, इसको भी तुम्हें एक बार करके दिखा देते हैं कि हो क्या रहा है। एग्जांपल ले लेते हैं जो गिवन है, 1,354, 1,354, 231, 1,000 ये ले लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हमने अपना एक मिनिमम एलिमेंट लिया, ठीक है, उसकी वैल्यू हमने ये दे दी, मैक्सिमम की ये दे दी, हमने क्या ट्रावर्स करना स्टार्ट किया, हमने बोला 1 पे हम मैक्सिमम निकाल रहे हैं, क्या मैक्सिमम एलिमेंट से 1 की वैल्यू बड़ी है, मैक्सिमम एलिमेंट 0 है तो हाँ बड़ी है, तो हमने क्या बोला इसको चेंज करके 1 कर दो, आगे बढ़ेंगे, 354 की वैल्यू क्या 1 से बड़ी है, हाँ तो उसको 354 कर दो। फिर हमने कहा 231 की वैल्यू क्या इससे बड़ी है, नहीं है तो उसको चेंज नहीं करेंगे, 1 की वैल्यू कैसे बड़ी है, नहीं है तो चेंज नहीं करेंगे, उसको बोलेंगे ये तुम्हारा जो आया 10001 इसकी वैल्यू बड़ी है, हाँ हमारी 10001 को इससे चेंज कर देंगे, तो हमारा मैक्सिमम बन गया ये। नेक्स्ट हमने बोला मिनिमम निकालते हैं, मिनिमम निकालने के लिए हमने फिर से ये चीज़ करी, हमने बोला जो ए ऑफ आई है मिनिमम एलिमेंट हमारे ये है, क्या 1 की वैल्यू मिनिमम एलिमेंट से छोटी है, बिल्कुल छोटी है, तो इसको चेंज करके यहाँ पर हमने 1 कर दिया। फिर आगे चेक करें, क्या 1 इससे छोटा है, नहीं है, 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 तो मिनिमम एलिमेंट हमारे पास आ गया। फिर हमने बस एक हमारा पेयर डिफाइन कर दिया, ये कैसे किया ऐसे मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा, STL से करते हैं हम ये। ठीक है, STL में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तुम्हारे एरेज होते हैं, तुम्हारे वेक्टर होता है, सेट होता है, मैप होता है, ठीक है, क्यूज होते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में जो हम कोर्स कर रहे हैं इसमें C++ एंड STL हम सीख रहे हैं, तो STL में ये सारी चीज़ें आ रही होंगी, सब पढ़ाएंगे, पहले एरे स्ट्रिंग्स वगैरह बेसिक पढ़ लेते हैं, इतना ही था। ठीक है, आई थिंक तुम्हें ये वाला सॉल्यूशन समझ आ गया, बहुत ईजी है। अब तुम्हें क्या करना है, होमवर्क तुम्हें करना, सम प्रिंट कर देना है, एरे का सम प्रिंट कर देना है, क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा इस एरे का, जो एरे है उसका सम प्रिंट करना है, तो प्रिंट करके देख लेना, इतना ही है, ईजी है। इसके अलावा तुम और भी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, सबसे मिनिमम मैक्सिमम हमने निकाल लिया, सबको प्रोडक्ट प्रिंट करके देख सकते हो। ठीक है, प्रोडक्ट प्रिंट करने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें वो काफ़ी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं, प्रोडक्ट एक रेंज से बाहर चला जाएगा तो वो प्रोडक्ट तुम नहीं प्रिंट कर पाओगे, ट्राई करके देखना। ठीक है, एरर आएगा बट तुम्हें नई चीज़ सीखने को मिलेगी, सम और प्रोडक्ट दो चीज़ें तुम्हें ट्राई करनी है,
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप तुम्हें वीडियो में समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए।